भागलपुर के गोराडीह थाना क्षेत्र में 14 जून को सुमेश मंडल की धारदार हथियार से गला रेत कर निर्मम हत्या कर दी गई थी, जिसको लेकर अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलिस एड़ी चोटी एक कर रही थी। वहीं बीती रात 7 लोगों को गोराडीह पुलिस ने पूछताछ के लिए थाने पर बुलाया और उसके बाद जमकर पिटाई शुरू कर दी। पूछताछ के लिए बुलाए गए लोगों ने बताया कि पुलिस ने पूछताछ के क्रम में हम सबों का हाथ पर बांध कर करंट लगाकर जमकर पिटाई की है। उसके बाद भी जब हम लोगों ने कुछ नहीं कबूला तब एक व्यक्ति के पिछवाड़े में पेट्रोल डालकर थर्ड डिग्री इस्तेमाल करते हुए जमकर पिटाई की। वहीं गोराडीह पुलिस के इस रवैये से पूरा इलाका सदमे में आ गया है। पूछताछ के लिए पुलिस ने जिन लोगों को उठाया था उसमें गोराडीह गांव के धनेश्वर दास, अंबेडकर दास, फुलेश्वर दास, संजीत दास, कन्हैया दास और संतोष दास है। वहीं पिटाई के बाद सभी घायलों का इलाज मायागंज अस्पताल में चल रहा है, जबकि एक युवक को अभी तक गोराडीह थाने में ही रखा गया है। जब पीड़ित सातों व्यक्ति ने मीडिया से बात की तो उनके आंख भर आए। उन्होंने दबी जुबान में कहा कि बड़ा बाबू और छोटा बाबू दोनों ने एक रूम में बंद कर दिया और हम लोगों को जानवरों की तरह पीटा, जबकि हम लोग निर्दोष है। अब सवाल यह उठता है कि इस तरह का बर्बरतापूर्ण पुलिस का रवैया कहां तक सही है। पुलिस की थर्ड डिग्री की मार तो आपने सुनी होगी, जब कोई सीधे कुछ नहीं कबूल तो पुलिस इस तरह से थर्ड डिग्री इस्तेमाल करती है। उठा के ले चलो लेकिन बाबू हम की गलती कर रहे चिकन है उठा के ले जा रहे कौन ले गया बड़ा बाबू छोटा बाबू नाम बाबू नहीं कौन खाना गोरेडी खाना आपका घर कहाँ गोरेडी जी बाबू उठा के ले चलो के लिए वहाँ के लिए की गलती कर रहे बाबू बोलिए चलो तुमको पूछ जाँच करें कि लिए ठीक है वहाँ के लिए बाबू पूछ जाँच करी कि ना एक रूम में बंद कर लेते बाबू बंद करी पिछला हाथ बोल नहीं कर पैरों में पानी चढ़ी बाबू अन्हा मुन्हा 200 बेसी मरते बाबू हालत खराब कितना मरल बाबू और क्या कहते हैं हाँ बाबू नंगा करी बाबू पेट्रोल भरी छुटल बाबू पेट्रोल भरी जल्दी नाम बता के लिए किधरों नाम बते बाबू तो सुमेश मंडल का मर्डर हुआ रे इसलिए बाबू हमारा कोई ताल्लुक नहीं बाबू नहीं कोई मतलब हमें गरीब आदमी 500 बाल बच्चा जी बाबू कमाल जा कमा के अभी तो अपना घर से नाता बाबू हमारा घर से कोई नाता नहीं बाबू हम केना ठिकाने की बतैया पत्नी जब सब चीज कबूलिए दिल कि व्यापारी मंडल ने हमारे पति के मारल हमारा निकली जानवे जब कि 20-25 घर दूरी में हमारे घर की बाबू आ उठा पुठा बेरम हिस मार मारल बाबू अखनी एहनो हालत छ 5 बाल बच्चा हमें केना पोसे बाबू कितना आदमी को खाया था 5-6 आदमी उठेला छ 7 आदमी का सबको मार पीट किया सबके बाबू यहाँ की मारल छोड़ पे अब ओकरा नहीं तो नहीं कहें बाबू लेकिन हमरा पेट्रोल दे बाबू मारल छ गाड़ी में नंगा करी बाबू अंदरों में रूमो में तो बंद करी मारल था बाबू थाना के लिए बाबू ले जाए के कह दी बोलो कि किसने मारा है उसको सर हम सुनी कुछ सुन जाने छे क्योंकि ऐसे नहीं होगा पहले मारो ही सबको तो 200 तब बताएगा सब सर हमें जो हम था की बताइए पूरा टांग मार मारल हमारा से कैसे मारा है बानी मारल हाथ बानी के एकदम टांग बानी उठा के दो आदमी लाठी पर 4 आदमी डंटा दे के घर गाय मारल की डेंगा चल बाबू हमारा 12 रात के अलिए वहाँ से थाना से आदमी कौन थाना से गोराडीह थाना से और ओकर बाद उठा के लेके चलो गए यहाँ से ले जाके वहाँ पर पुछटांग मार दिया लगले अब हम बोले रहिए कि बताओ किसने इसको मारा है तो हम जानते नहीं लेकिन की बतेबे कहीं नहीं बताओगे तो मार के तुमको बर्बाद कर देंगे बस पुलाल के गोलों में और एक चितला में खूब पुरकर से मार लगे और ओकरो बाद फोन पूछा लगे तो फोन कहिए नहीं हम किसी का नहीं जानते हैं किसका नाम बताएं हम किसी का नाम नहीं जानते हैं फिर नहीं बताओगे किसी का नाम बताओ। भागलपुर के औद्योगिक प्रक्षेत्र थाना क्षेत्र के विक्रमशिला पुल के नीचे बदमाशों ने हथियार के बल पर मकई के फसल को लूट लिया। विरोध करने पर किसान के ऊपर बदमाशों ने 3 राउंड फायरिंग भी की है। इधर घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है। पिछले 3 घंटे से पुलिस वहां कैंप कर रही है। मालूम हो कि गणेश यादव ने विक्रमशिला पुल के नीचे अपने खेत पर मकई का फसल लगाया था। बदमाशों ने जबरदस्ती फसल उसके सामने ही लूट ली। विरोध करने पर
बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद पीड़ित किसान गणेश यादव वहां से भाग गया और घटना की जानकारी पुलिस को दी। घटना की जानकारी मिलने के बाद औद्योगिक क्षेत्र जीरो माइल थाना अध्यक्ष मुरलीधर शाह अपने दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। इधर सूचना के बाद अंचलाधिकारी भी मौके पर पहुंचे। फिलहाल पुलिस मामले को लेकर छानबीन में जुटी हुई है। पीड़ित किसान गणेश यादव का कहना है कि बरारी के ही रहने वाले प्रदीप यादव, बोका यादव और पुनपुन यादव अपने सहयोगियों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया है। तीनों ने मेरे ऊपर 3 राउंड फायरिंग की है और मेरे आंख के सामने फसल लूटकर फरार हो गए। उन्होंने पुलिस पर भी आरोप लगाया कि इसको लेकर पहले कई बार शिकायत की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। इधर मामले को लेकर थाना अध्यक्ष मुरलीधर शाह ने बताया कि घटना स्थल पर हम लोग कैंप कर रहे हैं, फायरिंग की बात अभी स्पष्ट नहीं हो पा रही, ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है, अर्धसैनिक बलों के साथ कैंप की जा रही है। भोरे भोर हमरा पता चले कि हमरा खेतों में मकई लूट हो रहे थे, हम आइडिया दौड़ल यहाँ देखे थे ठीक है, करीब करीब 50 आदमी ओकरा आगू में प्रदीप मंडल आरो 3-4 गो बदमाश छे बौका यादव आरो पुनपुन यादव, इसब ने आरो ओकरा सब 5-7 आदमी छे हजूर, इसलिए ने हमरा देखते गोलीबारी करे लगले, 3 फायर करके हजूर ओकरा बाद हम भागता भागता बहुत दूर जाकर करीब करीब हम अकेले छे जो भतीजा छे वो डर भागल, आदमी से बोले भागो भागो, जब गोली फायर दिए लगे हजूर तो हम भागल हजूर पश्चिम, ओकर बाद जब पश्चिम पूरा हम पनी कलर चल गए तब इसी घूरी का फिर सब मकई उठवा हजूर उठवा कुछ बोरिया में जमा कर लें याद बात है हजूर प्रदीप मंडल सब कार्रवाई है हजूर समझो तो इस साल भरी से ना दशा पहले नहीं चले हजूर, पहले हम आसान से फसल उपजा के ले जा चलिए, लेकिन ये बौका और ये पुनपुनमा इसने प्रदीप मंडल सबसे मेन गैंगस्टर छे हजूर, कत्ते वाला गैंगस्टर छे जगह की कोई अंत नहीं है हजूर, पूरा जेल गेलो छे नहीं अभी हां ऊ नहीं अभी नहीं गेलो छे हजूर, लेकिन जेबे करते फर्शबाजी में जेबे करते बच्चा का मर्डर कर ले छे हजूर, तो जेबे करते हजूर बहुत बड़ा कुख्यात है हजूर, कोई नहीं समझा पड़ जाए प्रशासन भी रास्ता में कोर्ट जो आदेश दिलो छे कि वहाँ पे सब उठते हैं वहाँ पे कोर्ट में जमा होते हैं वो हजूर कोई नहीं सुनवाई करके हजूर, इनका सामने में देखी देख लो होलो माल लूटी लेके हजूर, थाना के तो कंप्लेन नहीं कर थाना कमे करे हजूर, थाना कोई सुनवाई नहीं करे हजूर, एकदम वहाँ के मना भी आएल छे ये हमारा नहीं करे हाँ एफ आई आर करो कम से कम, ये भी मुँह से बोली नहीं निकाले एकदम गुम करेंगे आप यहाँ भी बैठलो होलो छे सब करेंगे करेंगे ना चलो अभी वही तो कह रहे थे इनको मुखिया जी कि हम बैठे हुए हमारा एफ आई आर नहीं ले रहा है, यही कहा है आपका फसल लूट हो रहा है ये हजूर मनोमानी यहाँ का बदमाश गैंगस्टर है, उसको अपना रंगदारी मांगता है कि हमको दे दो बांट कर करके तब हम जाने देंगे तुमको, पहले भी रंगदारी मांगता था हाँ पहले भी मांगता था, और यहाँ आपके तरह कितना आदमी का यहाँ जमीन है, हमारा यहाँ जिनकम करीब करीब 100 आदमी का जमीन है, सबसे उस तरह से मांगता सबसे मांगता सबका फसल रो करके लूट लिया हजू। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं, या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान, निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी, तो आज ही सुनने की जाँच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी दो और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स बिहार टॉकीज रोड लाइन बाजार पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में AB मेडिकल के समीप। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी। मेरा स्नेह अस्पताल जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नया मशीन क्रिटिकूल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है, और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वह मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है, तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है, यदि आपके माता पिता का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकते हैं और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद।
भागलपुर के लिए बाढ़ और सुखाड़ लोगों की एक बड़ी समस्या और चुनौती बनी हुई है। एक तरफ जहां भागलपुर में गंगा और कोसी नदी में हर साल जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का प्रकोप हो जाता है और वह विकराल रूप धारण कर लेता है, जिससे लाखों लोग प्रभावित होते हैं। इससे लोगों को हर साल जूझना पड़ता है। वहीं दूसरी ओर प्रचंड धूप गर्मी व उमस भरी गर्मी से कई एकड़ के फसल सूख जाते हैं। नदी तालाब कुएं सभी सूख जाते हैं, जलस्तर नीचे चला जाता है, जिससे फसलें जलकर मर जाती है। किसानों को तबाही का सामना करना पड़ता है। बाढ़ और सुखाड़ एक बड़ी समस्या है, जिसको लेकर आज संभावित बाढ़ व सुखाड़ से निपटने की तैयारी को लेकर भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी संबंधित पदाधिकारियों से भागलपुर की समाहरणालय स्थित समीक्षा भवन में एक समीक्षात्मक बैठक की और कई बिंदुओं पर चर्चा की, जिससे लोगों को बाढ़ और सुखाड़ से हद तक बचाया जा सके। साथ ही बाढ़ आने से पहले बांधों की मरम्मति से लेकर कई कार्य का दिशा निर्देश भी दिया गया। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिलाधिकारी की चुनौती कहां तक जनता के लिए सार्थक सिद्ध होती है। अभी आगामी बाढ़ एवं सुखाड़ को लेकर के विभिन्न विभागों के बीच में समन्वय बैठक, जिसमें मेजोरिटी में हम लोगों ने काम करा लिया है। अब जो कुछ कुछ लोगों के काम बचा हुआ है, उसकी तैयारी हम लोग सुदृढ़ कर रहे हैं, और जिसमें सभी विभाग के पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिया गया।